एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ, हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखाऊं। मैं समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ा था, टीम में वोट दिया हूँ। अब बाकी और लोगों के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कि लोगों की राय क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी वोट समाजवादी पार्टी में गई है। इसके साथ आपको वोट दिया है, चुनाव जिताया है, तो कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए। अब कौन क्या करता है मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा। रहता है नेता कैसे बन जाता है? वो समाज के लिए काम करता है, समाज सेवा उसका काम ही है, समाज के लिए काम करना, गरीब जनता के लिए काम करना। हर आदमी सोचता है कि हम बड़े बड़े उद्योगपति देखिए कि उनको पैसे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिस प्रकार से गरीब दबे कुचले समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, जो एक जाति और एक धर्म के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लगातार आप मुझे देखते रहते हैं। मैं ज़्यादातर दबे कुचले कलाकार, जो दबे कुचले के लोग रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का कार्य करता हूं। ऐसे ही मेरे साथ समाज सेविक पेशे से डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी मेरे साथ मौजूद है, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आपको बता दूँ, दो जब जिला पंचायती का चुनाव हो रहा था, लोग अखिलेश यादव का चेहरा दिखाकर जनता से वोट लिए। वोट लेने के बाद जब वहाँ वोट देने की बारी आई तो 44 से 46 लोग समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं डॉक्टर साहब की क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी। पहली बात तो मैं आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपने कई बार हमसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन संयोग रहा कि हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो पहली बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जिला पंचायत के चुनाव में, एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूँ, हनुमान जी तो हूँ नहीं कि सीना फाड़ के दिखाऊं। मैं समाजवादी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रहीं निशी यादव। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर जो प्रत्याशी घोषित हुई थी, पहली वोट वहाँ, उस समय भी मैंने बताया था जब बाहर निकला तो पहली वोट दिया था, मीडिया भी वहाँ थी। हमसे पूछा गया कि आपकी वोट, आपने वोट देकर निकला क्या? हमने कहा पहली वोट समाजवादी पार्टी में। तो मैं आज आपको भी बता देना चाहता हूँ, अपने ज़िले के लोगों से भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की ज़मीर को बेच नहीं सकता। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता ज़रूर हूँ, लेकिन पार्टी के लिए हमेशा हम लोग जितना मेरी औकात है मैं हमेशा काम करता हूँ। दबे कुचले समाज में रहता हूँ और लोगों की मदद करता भी हूँ, आप लोग देखते भी हैं। इसलिए मैं अपने क्षेत्र की जनता, चूँकि मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो मैं समाजवादी पार्टी में वोट दिया हूँ। अब बाकी और लोगों के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं कि लोगों की राय क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी वोट समाजवादी पार्टी में गई है। इसलिए भी कहता हूं कि जहां एक ओर धन बल चल रहा था और कई लाखों करोड़ों में लोग बिक रहे थे, लेकिन मैंने जो है कि समाजवादी पार्टी में वोट दिया था। और ये बात मेरी प्रत्याशी भी जानती हैं, हमारे चाहने वाले भी जानते हैं, और आज आपके माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ। जब सर मैं क्षेत्रों में जाता था, उस समय जनता से बातचीत करता था, तो कुछ लोग कहते थे कि नेता तो दर बदलू हैं, कि दिखाते हैं तस्वीर किसी और का, वोट देते हैं किसी और को, आखिर क्यों? देखिए, वो नेताओं की अपनी अपनी सोच है। मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ, लेकिन अब कौन किसका क्या दिल में तो कोई बैठा नहीं है। लोग करते हैं, लेकिन जनता के मान सम्मान को लोगों को रखना चाहिए कि जिस जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया है, चुनाव जिताया है, तो कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए। अब कौन क्या करता है मैं उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा। अभी समाजवादी पार्टी के नए जिलाध्यक्ष बने हैं मौर्य जी, क्या आपको लगता है कमान बरोबर थाम लेंगे नहीं 24 का? देखिए, वो पार्टी के बहुत ही पुराने और जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि ऐसे जुझारू, जो कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और एक खाटी समाजवादी हैं, उनको हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जो है संगठन बहुत मजबूत होगा। एक जो डॉक्टर रहता है नेता कैसे बन जाता है?
वो समाज के लिए काम करता है, समाज सेवा उसका काम ही है, समाज के लिए काम करना, गरीब जनता के लिए काम करना। हर आदमी सोचता है कि हम बड़े बड़े उद्योगपति देखिए कि उनको पैसे की कमी नहीं, वो जनता राजनीति में आती है जनता की सेवा करने के लिए। अब यहाँ आने के बाद लोगों की नीयत बदल जाए वो अलग की बात है, लेकिन हर आदमी जो है, चाहे डॉक्टर हो चाहे व्यवसायिक है, वो राजनीति के जरिए वो जो है जनता की सेवा करना चाहता है। यहीं आपके पार्टी के विधायक थे, मंत्री थे, उनका मुर्दाबाद नारे लगे, फिर अचानक भाजपा में चले गए। देखिए वो इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि भाई वो राजनीति है, कौन कहाँ जाता है कौन कहाँ आता है, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे आपको। तो इस बार क्या माहौल है 24 का? 24 समाजवादी पार्टी, हमारे जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम जो छोटे मोटे दल हैं उनको लेकर जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, हमें उम्मीद है कि सरकार जो है कि समाजवादी की पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरा भरोसा है इस बार इंडिया जीतेगी। बिल्कुल इंडिया जीतेगी, जो इनके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिस प्रकार से गरीब दबे कुचले समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, जो एक जाति और एक धर्म के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसी से छिपी नहीं है। महंगाई इनके कहते हैं कि हमने विकास किया है, विकास तो हुआ है, काले धन के नाम पर इन्होंने सत्ता में आया है। 2014 से लेकर 2024 में जितना काला धन इनके शासनकाल में विदेशों में अर्जित हुआ, उतना आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। तो सरकार तो आना तय है। नए साल पे आप क्या जनता को बधाई देना चाहते हैं? बस नए साल पे यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र की जनता को आने वाले नए साल को हार्दिक शुभकामना और बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यह मौजूद थे डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी, किस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, हमेशा अपनी बातों को रखते हैं। फिलहाल इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई, जिस पार्टी का मैं चेहरा दिखाकर जनता से वोट पाया था उस पार्टी को मैंने अपना वोट दिया। जनता की क्या राय है इस वीडियो देखने के बाद, ये खबर देखने के बाद उनको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए आज़ाद वीआईपी ग्रुप से, अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो आज़ाद वीआईपी न्यूज़ से उसको भी फॉलो करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़। जय हिंद।